News 18, India. और अब एक बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां बहुमत मिले बिना ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने चुनाव में जीत का दावा ठोक दिया है और सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों को न्योता भिजवा दिया है। अब तक के नतीजों में इमरान खान के समर्थन वाले उम्मीदवार सबसे ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखे हैं और नवाज शरीफ की पार्टी दूसरे नंबर पर है। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ सरकार बनाने की कवायद में अब जुट गए हैं और इसीलिए आपको बता दें कि बाकी दलों को भी न्योता नवाज शरीफ की तरफ से दे दिया गया है। हालांकि 3 दिन पहले वोट डाले गए थे, लेकिन अभी तक भी पूरी तरह से वोटों की गिनती यानी कि पूरे नतीजे सामने नहीं आ पाए हैं। मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते, अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावा देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम जरूर बजरूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें। नवाज शरीफ गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी में लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सभी 266 सीटों के नतीजे आने अभी बाकी है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अब तक 233 सीटों के नतीजे घोषित किए हैं, जिसमें निर्दलीय 95 उम्मीदवार जीते हैं, जिनको इमरान खान की पार्टी पीटीआई का समर्थन है। इमरान खान के समर्थन वाले नेता निर्दलीय लड़ रहे हैं और ऐसे में इन्होंने जीत दर्ज की है। इमरान खान मैदान मारते हुए इन नतीजों में नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई का चुनाव चिन्ह जब्त होने के बाद उसके नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन अब तक 64 सीटें अपने नाम कर पाई है। बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी की बात करें तो 51 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब पाकिस्तान में 3 दिन पहले वोट डाले गए थे, लेकिन वोटों की गिनती का काम अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है और इसी वजह से वहां के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना चुनाव में धांधली करवा रही है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर नतीजे घोषित नहीं कर रहा ताकि वो नतीजों को बदल सके और वहां की सेना के पसंदीदा उम्मीदवार को जितवा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान में जगह जगह लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीटीआई ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चला दी और 4 लोगों की इसमें जान भी चली गई है। अब इमरान के इतने समर्थकों की जीत दर्ज करने की बहुत अहम मायने हैं। मायने क्या हैं? ये हम आपको बताते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुस्सा है और अब इन चुनावी नतीजों से ये गुस्सा खुलकर सामने आ भी रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सेना को अपने मोहरों के लिए जीत नहीं मिली तो वो संसद पर कब्जा कर सकती है। गृह युद्ध के पाकिस्तान में आसार है। ऐसा होता है तो 1970 की तरह पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। पाकिस्तान की जनता सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है, यानी हालात वैसे हो सकते हैं जैसे पाकिस्तान में 1970 से 71 में थे, जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नया देश बना था। लेकिन अगर पाकिस्तान की सेना चुप रहती है तो इमरान खान का राज लौटेगा और नवाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ सकता है। अगर इमरान खान की पाकिस्तान की सत्ता में री एंट्री हो गई तो वहां सेना का दबदबा कम हो जाएगा और इसे रोकने के लिए वहां सेना एक बार फिर से तख्ता पलट कर सकती है।